सब्जियों का जो ठेला लगाते हैं लोग, वो भी लगा ही रहे आज, अभी तक तो लगा रहे हैं। 11 बजे के बाद क्या पता बंद कर दे। अभी तो टाइमिंग है और ये लगभग 8 बज रहे हैं समय। शंकर मार्केट भी लगभग बन गया पूरा। यहाँ लगती है वैक्सीनेशन, देखते क्या ये कमनपुर का जो है राजकीय पालिका इंटर कॉलेज है, इधर आज तो बंद है। आज भी देखा क्या है, 2600 काट दिया है, क्या लिखा है, सोचना समझ वाले बंद है इधर तो पर्चे लगे हुए यहाँ पर। लिस्ट होगी इनका लगना होगा, उनका यहाँ पर मैंने पर्चे भी लगा रखा है, पर्चे को ऐसे रख लेते हैं। चलो तो देखो, हम अभी है निम्बू चौर चौराहे में पहुँचने वाले हैं। भीड़ जो है बहुत कम हो रखी है, ना के बराबर है, बस थोड़ा टेम्पो वगैरह चल रहे आज और बस लोग बाइक में जा रहे हैं। कॉलेज की रोड में और अभी जो है अभी कहाँ चलेंगे, घर चलेंगे सीधे। यहाँ पर देखो यार, माहौल जो है बड़ा शांत है, बड़ा अच्छा माहौल है और जो है भीड़ बिल्कुल नहीं है, ब्लॉक करने के लिए बढ़िया है। तो आज जो मैं जब बाजार साइड आ रहा था तो देखो पुलिस जो थी बहुत कम थी, कहीं नहीं थी। और क्या पता अभी 8 बजे आया तो कम उस समय जो है भीड़ कम रही होगी तो पुलिस भी कम रही होगी। तो अभी जो है थोड़ा एक लेडीज आने लग गई और यहीं करता हूँ मैं बंद अपने सूट को। तो भाई ये वीडियो थोड़ी बन गई है, थोड़ी जब आप ही जाते समय बनाऊँगा। पसंद आएगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये अपनी बाइक है, हेलमेट वगैरह सब है, अब चलते बस। जो है संडे के दिन भी जो है खुला हुआ है, मतलब खुला तो रहेगा ही। तो जो है भाई देखो, हमारे यहाँ जैसे बस अड्डा तो एक ही है लेकिन इसके दो ब्रांचेस लगते हैं। मुझे ये वाला जो ब्रांच है, ये पहाड़ी रास्तों में जो गाड़ी चलती है ज़्यादातर, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है इसकी। एक दूसरा जो है वो यहाँ पर है, इधर के साइड है, और यहाँ पर जो है हरिद्वार देहरादून की गाड़ी आती है। चलो तो मैं जो है पहले आपको पहाड़ी वाले दिखाता हूँ, पहाड़ी वाला बस अड्डा। चलो ये चलते हैं, इसको देखते थोड़ा। ये वाला जो है एक यहाँ पर है, यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ की चल रही गाड़ी अभी। हाँ जो चल रही है गाड़ी पार्टी स्टैंड वगैरह चल रही है। देखो इधर सब जो है, हरिद्वार की भी चलती है इधर, ऋषिकेश हरिद्वार पार्टी स्टैंड हरिद्वार और ये कहाँ की है, रसुवार ट्रिक निकाल की है। हाँ वीडियो है, वीडियो हाँ देखो इधर भी है। इधर अगर हम अंदर जाएंगे तो जो है ये अपना यहाँ अंदर है, यहाँ शौचालय वगैरह है और
ये जो है हमारा पूछताछ केंद्र है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो है ज़रूरी जो सामान वगैरह है वो भी मिल जाएगा। लोग देख रहे हैं यार। और यहाँ पर जो है ऐसी दुकानें मिल जाएगी हमें। अब हम जो है दूसरी तरफ चलते हैं। ये जो यहाँ पर से हम बाहर निकलेंगे, यहाँ पर दूसरी तरफ के लिए भी जाती है हरिद्वार की गाड़ी, जैसे यहाँ पर लगी हुई है। हरिद्वार की गाड़ी बहुत लग रखी है, हरिद्वार देहरादून की गाड़ी लगी हुई है आज पूरी। पार्टी सेंट की भी भर रखी है वैसे। बस दूसरी तरफ चल रहे, अब दूसरा जो बस अड्डा है, जो जिसमें अभी हम गए थे वो जो है प्राइवेट थी, जीएमओ की थी। अब जो हम जा रहे वो रोडवेज है, तो रोडवेज की जो बस है ऐसे तो इधर होती है खड़ी। देखो कोटद्वार दिल्ली के चलने लगे क्या, दिल्ली के चलने लग गए। अब दिल्ली की बस चलने लग गई है, पूछना पड़ेगा। चलो पहले पूछते हैं, यहाँ तो कोई आई नहीं। दिल्ली के लिए बस खड़ी तो हुई है, पूछना पड़ेगा पहले। अंकल जी दिल्ली के लिए बस कितने बजे निकलेगी? दिल्ली बस तो खड़ी हो रखी है। दिल्ली के लिए हाँ, अच्छा अच्छा हाँ, मैंने वो नेम प्लेट देखी ना, उसमें दिल्ली लिखा हुआ था। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर चलो नहीं चल रही दिल्ली के लिए तारीख से पहले पहले। तो भाई जो आपको एक तारीख से पहले पहले अगर दिल्ली दिखाई भी देती है, लिखी भी देती है, तो जो है चांसेस नहीं है चलेगी वो। चलो अब दूसरे चलते हैं। ये जो है सरकारी बसों का जो है वो है ये बस अड्डा। और इधर भी देख लेते हैं कुछ अगर देखना होगा तो। इधर तो कुछ नहीं हो रहा है, झाड़ू झूड़ू लग रहा है। क्योंकि इधर जो है ऐसा है, ये जो है सब जो है रोडवेज का है ये। बुक स्टोर तो खुला हुआ है यहाँ पर। यहाँ से जो है हम राइट ले लेंगे मोगापुर की तरफ से, जो सीधे जाता है दुर्गापुरी मोटाधाम जाता है, तो राइट ले लेंगे जो जाएगा मोटा मोगापुर भाई। आ गया है हमारा मोगापुर, और जो है अभी जो है घर की तरफ जा रहा हूँ मैं। और आज बस इतना ही हो पाया, इतना कंटेंट बन पाया, संडे था आज। जो थी पुलिस भी कम थी सड़क में, और जो है दुकानें जो थी ज़्यादातर जो थी बंद थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो बाय।